राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को जनजातीय सुरक्षा मंच की एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए। इसी दौरान सीएम साय ने जनजातीय सुरक्षा मंच कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में 12 करोड़ जनजाति वर्ग के लोग हैं और हम लगातार जनजातियों की सुरक्षा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वनवासियों आदिवासियों की रक्षा करना जनजाति सुरक्षा मंच का कार्य है। जो व्यवस्था संविधान में एससी वर्ग के लिए है वही एसटी के लिए भी होनी चाहिए। वही कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस देश की जनता का विश्वास खो चुकी है, चाहे 1 लाख देने की बात कहे चाहे कुछ भी कर ले। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। क्या है, पूरे देश भर में करीब 12 करोड़ आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग का है और लगातार अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम वनवासियों के हित में, उनके सुरक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। संविधान में व्यवस्था है कि एससी वर्ग के लोग अगर धर्मांतरित होते हैं तो वो एससी की सुविधा से वंचित हो जाते हैं, लेकिन एसटी में ऐसा नहीं है। तो एसटी वर्ग का वही मांग है कि जैसे एससी के लिए व्यवस्था है संविधान में, उसी तरह से एसटी में भी होना चाहिए कि जो धर्मांतरित हो जाते हैं उनको एसटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश की जनता के विश्वास, मतलब विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर लें, चाहे 1 लाख देने की बात बोलें, फार्म भरा लें, कुछ भी कर लें। अब बताइए, अब 1 लाख का फार्म भरवा रहे हैं महिलाओं को, अब कहाँ से पैसा देंगे।